कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो है कुछ संविधान से संबंधित वीडियो बनाया था। आप लोगों का प्यार मिलने के कारण जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें मूलभूत चीज़ें हैं उन चीज़ों को बताया जाए। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे जो है हमने जो है लोकसभा के बारे में डिस्कस किया, राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया और तमाम तरह की चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, और न्यायपालिका के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो है संसद के सत्र के बारे में हमने पहले बताया था और आज हम लोग न्यायपालिका के बारे में बताएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका जो है संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, जिसमें जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसमें जो है शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय एवं उसके अधीन उच्च न्यायालय जो है एक उच्च न्यायालय के अधीन कई अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान के भाग पाँच में जो है अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 फरवरी 1950 को किया गया था। 1956 में संसद जो है ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की थी। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो कृपया करके हमारे चैनल पर आप बने रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1960 में जो है 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या नियुक्त किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी है, जो अभी आप वर्तमान में देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं। तो आगे देखिए क्या है कि वर्तमान में जो है एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश समेत कुल 31 न्यायाधीश हैं। तो यानी कि वर्तमान में जो है एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश समेत जो है कुल 31 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 124(2) में वर्णित है। आगे देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता। तो इसको हम लोग जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। यानी ये सब चीज़ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है योग्यता, जैसा कि हमने बताया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी आयु
65 वर्ष तक के लिए मान्य है। आगे हम लोग देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। आगे है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, अवकाश एवं पेंशन का जो निर्धारण है वह संसद के द्वारा किया जाता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण जो है संसद के द्वारा किया जाता है। याद रखने की चीज़ें हैं, इसे आप याद रखिए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीशों का वेतन जो है 1,00,000 रुपये प्रतिमाह एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है 90,000 रुपये प्रतिमाह है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे है उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, जो कि निम्न है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। तो पहला है मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा है परामर्शी क्षेत्राधिकार, जो कि अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है आपका अभिलेख न्यायालय, जो कि अनुच्छेद 129 में वर्णन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 137 में वर्णित है। उसके बाद है संविधान का संरक्षक, उसके बाद है मौलिक अधिकारों का संरक्षक और अन्य शक्तियाँ। ये जो है उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि संविधान द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मणिपुर उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है सबसे कम है, अर्थात 2 है, यानी कि मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 2 है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक 67 है, यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक 67 है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय हो ही। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है वर्तमान में जो है देश में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में कुल न्यायालयों की संख्या कितनी है उच्च न्यायालय की, तो 24 है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में जो है उच्च न्यायालय है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में केवल जो है दिल्ली, यानी कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से दिल्ली में ही केवल उच्च न्यायालय है। तो संविधान के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, ये कोई निश्चित नहीं किया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को। थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे देखेंगे। उनकी संख्या जो है राष्ट्रपति पर निर्भर करती है, उनकी संख्या राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार
नियुक्त करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार नियुक्त करता है। अब हम लोग थोड़ा सा भारत की जनगणना के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि भारत की जनगणना 2011, तो जनगणना जो है 2011 भारत की 15वीं जनगणना है, यानी कि 2011 जो है भारत की 15वीं जनगणना ही है। जनगणना है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में। आगे है, देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार को दिया गया है, यानी कि देश की जनगणना का दायित्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार को दिया गया है। आगे है कि प्राचीन भारत में जो है जनगणना होने का संदर्भ जो है वह कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भारत में जनगणना होने का जो है संदर्भ किस में मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। भारत में जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही पहली जनगणना 1872 में हुई थी, यानी कि पहली जनगणना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी, और किसके शासनकाल में हुआ था तो यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनसंख्या का क्रमवार आकलन लॉर्ड रिपन ने जो है 1881 में शुरू किया, जो कि आज भी जारी है, यानी कि 1881 से जो है अभी तक जनगणना जारी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो भारत का जो है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य जो कि घटते क्रम में आप यहाँ देख रहे हैं, तो पहला जो है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल जो है 11,000 लाख, यानी कि 3,42,239, जबकि मध्य प्रदेश, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह है लगभग, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 है, जबकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30,82,252। ऐसी प्रकार आप अगर महाराष्ट्र का देखें तो इसका है 30,07,713, और उत्तर प्रदेश का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो इसमें जो है 24,928 है, जबकि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए इसका क्षेत्रफल तो इसका है 22,02,236 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत का लिंगानुपात, तो भारत का लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला है, यानी कि भारत का अगर लिंगानुपात देखा जाए तो प्रति 1000 पुरुष पर जो है 943 महिला मात्र है। भारत का साक्षरता दर वाला अगर दर देखा जाए तो वह 73% है। पुरुष साक्षरता दर जो है उसमें से 80.9% है, जबकि महिला साक्षरता दर 64.6% है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आगे हम लोग देखेंगे और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो आगे देखते हैं आगे क्या है।